नमस्कार दोस्तों, आप लोग भी पुराने नोट या पुराने सिक्के सेल करना चाहते हो, जैसे कि ट्रैक्टर वाला नोट। खासकर ये ट्रैक्टर वाला नोट क्या चीज है, या फिर दोस्तों माता वैष्णो देवी का कॉइन्स। जी हाँ दोस्तों, 2012 का ये श्राइन बोर्ड वाला माता वैष्णो देवी वाला कॉइन्स। अगर ऐसे नोट या सिक्के आप लोग सेल करना चाहते हो, आपके पास में भी काफी सारे नोट या सिक्के हैं, तो आज का जो वीडियो है क्लियरिटी से देख लेना, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों आज आपको एक अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे जो हमारे बोर्ड पे देख पा रहे हो 15 to 17 सितंबर। अब 15 to 17 सितंबर क्या है, क्या ये तारीख है, या फिर इस दिन हमारे कॉइन्स लेने आएंगे? ये जो एड्रेस यहाँ पे देख पा रहे हो, क्या ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, या फिर ये कौन सी जगह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? दोस्तों, आप लोग अगर पुराने सिक्के या कॉइन से रिलेटेड जो भी न्यूज चाहते हो या जो भी जानकारी लेना चाहते हो, तो एक बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है जो आपके साथ में हम साझा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों 15, ये जो 15 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 17। अब ये जो ट्रैक्टर वाला नोट है, जैसे 5 रुपए का नोट, ये देखिए 5 लिख देता हूं यहाँ पे, 5 रुपए का नोट अगर आप लोग सेल करना चाहते हो, या फिर माता वैष्णो देवी वाला भी 5 का जो सिक्का है वो सेल करना चाहते हो। अब ये सिक्के या नोट सेल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या करना होगा, वो पूरी चीजें क्लियरली से समझ लेना। 15 और 17, अब 15 और 17 क्या चीज है, आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा। और सितंबर अभी जो महीना हमारा चल रहा है, सितंबर महीना जो चल रहा है 2023 के सितंबर महीने में 15 और 17 को ऐसी क्या चीज, ऐसी क्या घटना घटने वाली है जो कॉइन्स या पुराने नोट वालों के लिए खुशखबरी है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है, मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मेला 2023। अब मेला दिलों का आता है, बार बार आता है, आपने वो फिल्म देखी होगी मेला फिल्म, आमिर खान वाली, कितनी जबरदस्त फिल्म है। लेकिन उसी को टॉपिक के ऊपर आज का जो टॉपिक हमारा है, मेला। मेला क्या चीज है यार, मेला। वैसे फिल्म तो काफी अच्छी है, लेकिन ट्रैक्टर वाला नोट में इसका ये क्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि नोट और मेले से क्या रिलेटेड है, तो वो चीजें हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बोरिंग मत होना, मेरा जो बताने का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, लेकिन आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखोगे क्वालिटी मोटेल सिराज, क्वालिटी मोटेल सिराज, आप लोग क्लियरिटी से देख सकते हो, क्वालिटी मोटेल सिराज लिखा हुआ है यहाँ पे, होशंगाबाद रोड 7 सर्विस रोड, बोर्ड ऑफिस स्क्वाड नंबर 6, लोकलिटी शिवाजी नगर भोपाल। यानी जो मेन टॉपिक हमारा है वो है दोस्तों भोपाल का, भोपाल का। और ये है दोस्तों कॉइन्स एग्जीबिशंस, मुद्रा प्रदर्शनी, पुराने सिक्के या नोटों का मेला, वो होने वाला है 15 से 17 सितंबर, और ये होगा 3 दिवसीय, यानी 3 दिन का ये कॉइन्स एग्जीबिशन है, पुराने नोट या सिक्कों का 3 दिन का कॉइन्स एग्जीबिशन है। यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा है आप पढ़ पा रहे होंगे, यानी 3 दिवसीय। टाइम इसका है दोस्तों सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, यानी 10 से 6 बजे के बीच में आप जो भी लोग भोपाल के आसपास के हो वो आपको जाना है। एड्रेस है दोस्तों, ये जो है ना, ये कॉइन्स एग्जीबिशन का एड्रेस है, वो है क्वालिटी मोटेल सिराज, होशंगाबाद रोड 7 सर्विस रोड, बोर्ड ऑफिस स्क्वाड नंबर 6, लोकलिटी शिवाजी नगर भोपाल। यहां पे होने वाला है कॉइन्स एग्जीबिशन, मुद्रा प्रदर्शनी, जिसमें दोस्तों आपके जो भी सिक्के हैं या जो भी नोट है, जैसे कि 5 रुपए वाला नोट समझते हो, या फिर माता वैष्णो देवी वाले सिक्के समझ रहे हो, या फिर जो भी सिक्के आपके पास है वो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हो। लेकिन 5 रुपए का जो नोट है, 5 रुपए का जो ट्रैक्टर वाला नोट है, उसके जो आर इनसेट, आर इन इनसेट, आर इनसेट, यहाँ पे मेन टॉपिक है आर इनसेट और वाई वी रेडी। ये अगर आपके पास में नोट है, जो ये 5 रुपए का नोट है ना, इसमें अगर सीरियल नंबर जो है वहां पे, यहाँ पे पीछे की तरफ आर दिखाई देना चाहिए, ये जो आर में लिखा है, और सिग्नेचर इनके जो है वाई वी रेडी वाले, तो आपके नोट ट्रैक्टर वाले भी अच्छी कीमत में सेल हो जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपके पास में नोट है तो मिस प्रिंट, मिस प्रिंट, अगर मिस प्रिंट नोट है तो भी सेल हो जाएगा। कटिंग एरर, अगर कटिंग एरर नोट है तो भी सेल हो जाएगा। तो ये तो 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट की कहानी है कि 5 रुपए वाला ट्रैक्टर वाला नोट अगर आर इनसे 5G रेडी वाला होगा तो सेल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है, जो यहाँ पे मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये माता वैष्णो देवी वाला, अब ये सिक्का कैसे सेल होगा तो इसके बारे में अगर आपसे बात करते हैं तो इसमें दोस्तों ये जो है इसके बारे में आपको एक एक करके जानकारी दे रहा हूं। ध्यान दे लेना, इससे अगर आपके पास में तो सेल हो जाएंगे 5 रुपये माता वाले, यानी 5 रुपए जो माता वाले सिक्के आपके पास है तो आपका सिक्का सिर्फ और सिर्फ बिकेगा मिस प्रिंट और कटिंग, मिस प्रिंट व कटिंग एरर अगर सिक्का होगा तो ही बिकेगा। सिंपली सिक्का आपका क्रॉस लगेगा, नहीं बिकेगा, क्योंकि दोस्तों सिंपली सिक्के आम सर्कुलेशन के सिक्के हैं, आप और हम जैसे के पास में अभी भी बहुतायत मात्रा में मिल जाते हैं। तो ये चीजें आपको बड़ी बात नहीं है कि रेयर सिक्के। अब बाकी जो सिक्के हैं, ये दो सिक्के मार्केट के अंदर काफी इनका जो है धूम धड़ाका मच रखा है, लेकिन जो बाकी सिक्के हैं वो होंगे रेयर, रेयर सिक्के ही बिकेंगे, रेयर नोट ही बिकेंगे। ऐसे ही कोई सा भी नोट उठा के लेके जाओगे वो सेल नहीं होगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था 15 से 17 सितंबर का कौन से एग्जीबिशन होने वाला है भोपाल के अंदर, शिवाजी नगर में ये कौन से एग्जीबिशन होगा। तो जितने भी साथी कौन से रिलेटेड या पुराने सिक्कों से रिलेटेड जानकारी चाहते हो तो प्लीज यहाँ पे इंटर कीजिए बिना किसी शुल्क के, कोई शुल्क नहीं लगेगा, 1 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन के नाम से नहीं देना है, बिना शुल्क कहीं पे भी जा सकते हो। एग्जीबिशन में स्टॉल वाले होंगे वहां से मिल सकते हो, GNA कलेक्शन वाले आपको वहां पे मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये कॉइंस एग्जीबिशन के बारे में था। तो बिल्कुल जो भी लोग भोपाल के नियर बाय क्षेत्रों से हैं वो एक बार विजिट जरूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।